नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कृषि विकास और जिले के प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की समीक्षा बैठक ली। इसके अंतर्गत जिले की अधिसूचित और विस्तारित मंडियों में अधिसूचित फसलों की खरीदी, उसकी दर भुगतान, परिवहन लागत, पंजीकृत और गैर पंजीकृत किसानों द्वारा लाई जाने वाली फसलों की क्वालिटी और अच्छी फसल रेट की संभावनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में नगर निगम महापौर कांता सदरंग, विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, कलेक्टर जे के जैन, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम द्वारा आयोजित किए जा रहे खेल महोत्सव को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी जानकारी देते हुए विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने बताया कि जनता में स्वच्छता और खेल को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस खेल महोत्सव का आयोजन छिंदवाड़ा में किया जा रहा है, जिसकी थीम स्वच्छता रखी गई है। स्वच्छता के लिए खेलेगा छिंदवाड़ा थीम पर 24 अक्टूबर को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उपस्थित रहेंगे। स्वच्छता को हमने प्रमुख रूप से इसमें किया है और काफी अच्छा उसमें रिस्पांस मिल रहा है। एसपी साहब भी हमारे घर कमिश्नर साहब है, महापौर जी भी सवेरे सफाई को लेकर निकल रहे हैं। जनता में अच्छी जागरूकता आए स्वच्छता को लेकर और खेल को लेकर। जहाँ स्वच्छता होगी और खेल होंगे वहाँ स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा। 24 तारीख को माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी जो भारत सरकार के मंत्री है वो स्वच्छता के लिए खेलेगा छिंदवाड़ा, उसका एक मैराथन दौड़ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब उस मैराथन दौड़ में भी आप रहेंगे और लोगों को भी आप प्रेरित करेंगे तो उस मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए ताकि स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता आए। और एक आभार देता हूँ और सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि इस खेल महोत्सव को सभी को मिलकर सफल बनाना है और आप लोगों को इसके लिए जो भी हम आप लोग हमें सलाह देंगे हम अपनी ओर से उस सलाह को मानकर और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह खेल महोत्सव स्वच्छता के लिए खेलेगा छिंदवाड़ा और स्वच्छता पे आधारित है। इसलिए मैं सारे यहाँ वीडियो बंधु एवं आमंत्रित सभी अतिथियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि छिंदवाड़ा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में आप लोग प्रथम स्थान लाने के लिए हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्य समिति बैठक, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता हिलकर और जिला प्रभारी रेखा बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र परमार और विधायकों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री मौजूद थे। नगर निगम आयुक्त दीक्षित गढ़पाले शहर को स्वच्छ रखने के लिए जहां दिन रात लगे हुए हैं, वहीं उनकी दूसरों की मदद करने की आदत भी किसी से छुपी नहीं है। आज निगम आयुक्त अस्पताल पहुंचे और एक जरूरतमंद आदमी को रक्तदान किया। उन्हें इसकी जानकारी सोशल मीडिया में चल रहे एक मैसेज से मिली, जिसके बाद बिना देर किए निगम आयुक्त अस्पताल पहुंचे और जरूरतमंद की मदद की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहल के बाद स्थानीय पीजी कॉलेज में पढ़ रहे बीए प्रथम वर्ष के दिव्यांग छात्र नकुल यादव को व्हीलचेयर प्रदान की गई। छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र नकुल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से व्हीलचेयर की समस्या बताई थी, जिसके बाद एबीवीपी ने कॉलेज प्रबंधन से बात की और व्हीलचेयर की मांग को पूरा किया। छिंदवाड़ा की कदम संस्था द्वारा हर रविवार को पौधा लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जाता है। इसी क्रम में इस रविवार छिंदवाड़ा के अपर कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव ने कदम संस्था के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट में पौधारोपण किया और लोगों को प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएचटीवी। नमस्कार।